सब्सक्राइब कीजिए बिस्सू टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्सू टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं बिस्सूजीत। आज को जो वीडियो है वो व्हाट्सएप के ऊपर है। दोस्तों आज को जो वीडियो व्हाट्सएप के बारे में बताएंगे, ऐसा ट्रेंड टिप्स है जो आपको शायद आपको अभी तक नहीं पता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में हम भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन टिप्स, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं। देखा धीरे मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं और इसी ग्रुप को एक ग्रुप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी जो इस्तेमाल होते हैं उस ग्रुप को आप होम स्क्रीन का रखना चाहते हैं तो इसी के बारे में बताएंगे होम स्क्रीन में कैसे रखेंगे। पहले उसी ग्रुप को टैप करके रखना है, इसके बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड चैट शॉर्टकट इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। हो गया है, देखिए हम दिखाई देते हैं कैसे वो ग्रुप शॉर्टकट को मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन का आ गया है। चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ग्रुप आ गया है मस्ती, वो एक नंबर वन है। नंबर टू टिप्स, हु रीड, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर एक मैसेज किया है, वो मैसेज कौन कौन बंदा देखा है इसके के बारे हम बताएंगे। नंबर टू टिप्स है, चलिए दिखाई दे रहे हेलो एवरीवन, मैंने एक मैसेज किया था उसी मैसेज के ऊपर क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहे थ्री डॉट्स इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहे हैं इन्फो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दिखाई दे रीड बाय, फाइव मिनट्स के पहले एक बंदा देखा था और टू मिनट्स एगो बंदा देखा था और डिलीवरी बाय कौन कौन के पास ये मैसेज गया है वो बंदा अभी तक नहीं देखा है इसके बाद गया है। चलिए दिखाई दे रहे हैं नंबर टू टिप्स है। नंबर थ्री टिप्स है जो है वो है हाइट चार्ट्स। मान लीजिए मैं एक के साथ बहुत प्राइवेटली चैट करता हूँ, उसी चैट को हम कैसे हाइट करते हैं। मान लीजिए मस्ती बॉयज दिखाई दे रहे हैं, इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहे डाउनलोड का लोगो, इसी के ऊपर क्लिक करना है। एक क्लिक कर दिया तो ये चार्ट जो है वो हाइट हो जाएगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं, दिखा दे रहे अब नहीं है। ऐसे आप कैसे फिर से पा सकते हैं, पहले फिर से पाने के लिए स्क्रॉल करिए नीचे तक जाना है। इसको देखा एचिप चार्ट थ्री हो गया है, इसके बाद हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहे जो है हाइट था वो यहाँ पर है। इसके बाद हम जो देखना चाहते हैं इसी के ऊपर क्लिक करना है। बाद में हमको वो डाउनलोड को जो लोगो था वो ऑपोजिट हो गया उसी के ऊपर आप फिर से क्लिक करना है। देखिए आप वो चला गया है, देखिए वो फिर से आ गया है, जहाँ पर था वो अभी तक वहीं पर आ गया है। ये था थ्री। चलिए नंबर फोर जो है उसी के बारे में बताएंगे। नंबर फोर टिप्स क्या है, लास्ट सीन एंड रीड स्टेटस। मान लीजिए कोई बंदा आपको मैसेज किया है और उसको नहीं पता लगना चाहिए जो वो मैसेज आप देख लिया है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, पहले थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग के जाने के बाद में अकाउंट के ऊपर जाना है। अकाउंट के ऊपर जाने के बाद प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट सीन एवरीवन लास्ट सीन के ऊपर क्लिक करना है। देखा दे रहे ये बहुत सारे ऑप्शन है, एवरीवन कॉन्टैक्ट नोबडी नोबडी के ऊपर क्लिक करना है। नोबडी हो जाने के बाद लास्ट में आएंगे, नीचे में आने के बाद रीड स्पीड इसके ऊपर हम ये टिक चिन्ह दिखाई दे रहे इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये था हमारा फोर टिप्स। चलिए दोस्तों अब नंबर फाइव टिप्स के बारे में बताएंगे। नंबर फाइव टिप्स क्या है, ये है एक स्टार मैसेज। स्टार मैसेज क्या है, मान लीजिए कोई बंदा आपको मैसेज किया है और उस मैसेज को आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो क्या करना चाहिए, उस टाइम पर हमको स्टार मैसेज के ऊपर वो मैसेज रख देना चाहिए। चलिए हम एक मैसेज को स्टार मैसेज के ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर हमें सिलेक्ट करना रखना है। इसके बाद दिखाई दे रहे ऊपर के स्टार इसी ऊपर क्लिक कर देना है।
हो गया है। इसके बाद जब भी कोई पढ़ने के लिए आपको टाइम मिला है तब ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट मैसेज दिखाई दे रहा है सेटिंग के ऊपर, उसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो हम रखा था इस मैसेज वो पढ़ देना है, पढ़िए। चलिए पढ़ने के बाद इसी मैसेज को आप हटा भी सकते हैं। चलिए कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, रखने के बाद और भी स्टार्ट मैसेज दिखाई दे रही है उसी के ऊपर आप क्लिक करना है। चलिए ये पढ़ने के बाद हो गया है, चला गया है। चलिए दोस्तों नंबर सिक्स टिप्स के बारे में बताएंगे। नंबर सिक्स टिप्स क्या है, मान लीजिए एक ग्रुप है, इसी ग्रुप के ऊपर ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, कितना मैसेज टैग्स है, कितना वीडियो है, कितना फोटो है, इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर देखा, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद डाटा एंड स्टोर दिखाई दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दूसरी नंबर पर दिखाई दे रहा है स्टोर यूज, इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है। एक सारी ग्रुप और मेंबर्स, जितना मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसी नंबर आ रहा है, लोडिंग हो रहा है। ये होने के बाद मान लीजिए मैंने एक ग्रुप के ऊपर देखना चाहिए, मस्ती की पाठशाला है, इसी के ऊपर हम देखेंगे क्या है। इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए इसी के ऊपर 33 टैक्स मैसेज है, कॉन्टैक्ट 0 है, और लोकेशन वो फोटो है 148, स्टिकर नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है, GIF भी नहीं है, वीडियोस 45 है, ऑडियो मैसेज है 15 और डॉक्यूमेंट है 1। ये ऑल मैसेज है, ये इसी ग्रुप का ऑल मैसेज। ये था नंबर 6 टिप। दोस्तों अब है 7 टिप्स। 7 टिप्स क्या है, ये है पॉपअप नोटिफिकेशन। पॉपअप नोटिफिकेशन क्या है, मान लीजिए आपको कोई बंदा मैसेज किया है और उसी मैसेज को आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नहीं ओपन करके वो मैसेज आप रिप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए ये थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमको जाना है। इसके जाने के बाद सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग जाने के बाद नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, ये नोटिफिकेशन ऊपर हमको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन जाने के बाद पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, ये नोटिफिकेशन क्लिक करना है। ऑलवेज शो पॉपअप, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद ये हो गया। ये था 7 टिप्स। इसी के द्वारा हम व्हाट्सएप नहीं ओपन करके हम डायरेक्टली मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब है नंबर 8। नंबर 8 टिप्स क्या है, लो डाटा सेटिंग। ये क्या क्या टिप्स है, इसी को मान लीजिए कोई आपको वीडियो कॉलिंग करता है, इसका डाटा बहुत खर्च होता है, एक कम खर्च करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए थ्री टॉस के ऊपर जाता है, थ्री डॉट ओपन करने के बाद सेटिंग के ऊपर जाता है। सेटिंग के जाने के बाद दिखाई दे रहा है इनवाइट फ्रेंड, इसके ऊपर है, नोटिफिकेशन के नीच में है डाटा एंड स्टोर, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लो डाटा सेटिंग, यहाँ पर पहले से मैंने क्लिक किया था, ये क्लिक करके रखना है। तो क्या होगा, इसी जरिए में आपका जो डाटा है वो बहुत कम खर्च होगा। ये था नंबर 8 टिप। दोस्तों आप टिप्स नंबर है 9। 9 टिप्स क्या है, ग्रुप इनवाइट लिंक्स। ग्रुप इनवाइट लिंक क्या है, मान लीजिए आप एक ग्रुप एडमिन हो और किसी को आप इसी ग्रुप को अंदर ऐड करना चाहते हो, तो बार बार नहीं ऐड कर सकते, तो इसलिए उसी बंदे को आप इनवाइट लिंक भेज सकते हो। इनवाइट लिंक जब भी कोई ओपन करेगा वो बंदा आप सब उसी ग्रुप को ऐड हो जाएगा। चलिए ये कैसे करते हैं, पहले आपको ग्रुप एक क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसी ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है ऐड पार्टिसिपेंट, इसके बाद इनवाइट बाय लिंक, इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड लिंक, व्हाट्सएप कॉपी शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसी के जरिए उसी को भेज सकते हो। भेजने के बाद वो बंदा जब भी वो लिंक क्लिक करेगा वो बंदा आप सब ऐड हो जाएगा। ये था 9 टिप्स। तो अब नंबर 10 टिप्स। 10 टिप्स क्या है, क्रिएट ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ये कैसे कर सकते हैं, चलिए ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे, इसी के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड पर दिखाई दे रहे न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक क्लिक करने के बाद हमको कोई ग्रुप जैसे क्रिएट करते हैं, इसी के जरिए हम कोई नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए हम कोई नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमको राइट चिन्ह दिखाई दे रहे हैं नीचे के ऊपर, इसी को हम क्लिक करने हैं।
इसके बाद हम जब भी कोई मैसेज इसको भेजेंगे, सभी को अलग अलग से एक मैसेज जाएगा। चलिए हम हाय भेज देते हैं, इसी को हम एक ही मैसेज से सबका अलग अलग से मैसेज चला जाएगा। ये था नंबर 20। मगर दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसमें आने वाले सब वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।